तो गाइस वेलकम टू माय चैनल एमएक्स व्लॉग, और यूट्यूब पे पहली बार होने जा रहा है MT15 मोटो जीपी एडिशन का ओनरशिप रिव्यू। और ये ओनरशिप रिव्यू 1400 किलोमीटर पे हो रहा है, जैसे मतलब 1400 किलोमीटर मैंने चला लिया है, 14,000 इस गाड़ी को 1400 किलोमीटर मैंने ड्राइव कर लिया है, मैंने चला लिया है इस गाड़ी को। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हम लोग पूरी डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो पहले तो बात कर लेते हैं इस गाड़ी के लुक के बारे में। लुक तो बहुत ही औसम है ये गाड़ी। पहली बात तो ये गाड़ी अंकलों के लिए और आदमियों के लिए और पापाओं के लिए नहीं बनी है, ये गाड़ी बनी है लॉन्डो के लिए, क्योंकि इसका एग्रेसिव लुक और जो डिटेल्ड लुक में मैंने ढाला हुआ है, और ये जो कंपनी देती है मॉन्स्टर एडिशन में अलग से ये ग्राफिक्स लगाया हुआ यमहा का और मॉन्स्टर का, ये सब मॉन्स्टर एडिशन में आपको पूरा मिलता है, ये मिलता है और ये सब मिलता है। जैसे लुक कुछ खास नहीं है, बस मॉन्स्टर एडिशन में ये सिर्फ एक ग्राफिक लगा के दे दिया गया जाता है आप लोग को, बस खुश हो जाइए मॉन्स्टर एडिशन है। और लुक वाइज में तो कोई MT से नॉर्मल MT और इसमें बस इतना ही फ़र्क है, बस मैंने थोड़ा सा ये लगाया हुआ है वाइज़र और विंगलेट, इसके लिए थोड़ा सा इसका लुक और इन्हेंस हो जाता है। तो इस गाड़ी के लुक का एक अच्छी चीज़ है कि भाई लोग पलट पलट के देखते हैं, मतलब पब्लिक रिएक्शन बहुत ही अच्छा मिलता है अगर आपके पास ये वाला हेलमेट हो तो, मतलब ऐसा अगर राइडिंग हेलमेट हो तो पब्लिक रिएक्शन बहुत ही अच्छा मिलता है, क्योंकि मैं भी रोज़ फेस करता हूँ इस चीज़ को, फेस नहीं करता मतलब मैं इंजॉय करता हूँ इस चीज़ को, तो पब्लिक रिएक्शन बहुत ही अच्छा मिलता है। प्लस अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो प्लीज़ रेडिएटर ग्रिल लगवा लें। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि गाड़ी कितनी चली है, 1445 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, और इसकी परफॉर्मेंस में थोड़ा भी कमी नज़र नहीं आई है। तो बात कर लेते हैं हम लोग इसके पूरे एडवांटेज के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, तो गाड़ी कैसी चलती है इसके बारे में एडवांटेज अगर हम लोग बात कर लेते तो गाड़ी के इंजन में कोई कमी नहीं है। जैसा कि आप सबको पता है कि ये गाड़ी 155 सीसी की गाड़ी है, और इस गाड़ी का इनिशियल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपको थोड़ा सा क्रेज़ी राइड करना पसंद है, जैसे कि आप थोड़ा कटवट मारते हो, थोड़ा सा ओवरटेक करते हो गाड़ी को, तो इस गाड़ी का कंट्रोलिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बात अगर कर ले हम लोग इसके सीट्स की, तो पिलियन सीट में थोड़ा सा मुझे दिक्कत नज़र आती है, क्योंकि पिलियन सीट इसका बहुत ही छोटा सा है, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए दे दिए हैं यमहा वालों ने। और यहाँ का सीट तो थोड़ा सा है गद्देदार, लेकिन पिलियन का बिल्कुल आपकी एकदम तशरीफ़ दर्द करने लग जाएगी। बात करते हैं गाड़ी के माइलेज के बारे में, तो 45 किलोमीटर पर लीटर आपको माइलेज मिल जाती है, लेकिन आप सिटी में अगर आप चलाते हैं तो 40-40 की माइलेज मिल जाएगी आराम से, लेकिन आप माइलेज को पुशअप भी कर सकते हैं। मैंने 55 तक किया हुआ है, जो कि कंपनी क्लेम भी नहीं करती है। तो यमहा की गाड़ी में एक यही खासियत आपको मिल जाएगी कि कंपनी जितना क्लेम करती है उसके और ज़्यादा आप अपने गाड़ी को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। तो गाइज अगर बहुत लोग के मन में ये डाउट रहता है कि ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसका प्राइस के हिसाब से गाड़ी वर्थ इट नहीं है, हाँ मैं भी एग्री हूँ इस बात से कि प्राइस के हिसाब से गाड़ी थोड़ी सी वर्थ इट नहीं है, क्योंकि इसमें स्लीपर क्लच नहीं मिलता है। तो ये पड़ी थी मुझे 210 की, और इसमें आपको स्लीपर क्लच नहीं मिलता है, आपको डुअल चैनल ABS भी नहीं मिलता है, इसमें ये डिसएडवांटेज है। कंपनी वालों ने इतना ज़्यादा पैसा लेके ये फीचर में बहुत ज़्यादा कमी छोड़ी हुई है। ये गाड़ी लॉन्ग राइड के लिए भी बेस्ट है, अगर आप सिटी में राइड करते हो और लॉन्ग राइड भी करते हो तो ये गाड़ी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट गाड़ी है। गाड़ी की बात कर लेते हैं कम्फर्टेबल पोजिशन के बारे में, बैठने का पोजिशन इसका बहुत ही अच्छा है, मतलब आप जितना लॉन्ग राइड पर जाएंगे, जितना ही लॉन्ग राइड कर लेंगे आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, मतलब अगर आप बैठे हैं कि आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो इस गाड़ी पे, नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ पिलियन पे थोड़ा सा मैं वो बता सकता हूँ कि पिलियन पे मैंने 100 किलोमीटर राइड की थी, तो पिलियन पे बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि पिलियन की सीट भी बहुत छोटी है, अगर कहीं कहीं मैं झटके से अगर एक्सेलरेटर ले लेता हूँ तो पिलियन वाला ऐसे जो भी पीछे वो गिर सकता है पीछे, तो ये थोड़ा सा मुझे डिसएडवांटेज लगा पिलियन सीट का। ओवरऑल ये गाड़ी बहुत अच्छी है, आप अगर कॉलेज स्टूडेंट हैं तो ले सकते हैं, लेकिन ये गाड़ी मुझे प्राइस के मामले में वर्थ इट नहीं लगती है, क्योंकि आप V2 की तरफ जा सकते हैं, आप
नॉर्मल MT15 में जा सकते हैं, नॉर्मल MT15 की जो वर्जन 2 आती है, क्योंकि मोटो जीपी एडिशन आपका थोड़ा सा महंगी पड़ जाती है, महंगी भी पड़ जाती है, और आपका डुअल चैनल ABS भी नहीं मिलता है, आपका सिंगल चैनल ABS है और ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, प्लस इसमें स्लीपर क्लच भी नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा ये वर्थ इट नहीं लगी गाड़ी। और तो और ये गाड़ी अगर आप सिटी में चला रहे हैं, गड्डी गुड्डा में अगर आप चला रहे हैं, मतलब अगर कहीं भी खड्डा है तो उसमें अगर कूदाते हैं तो आपको मतलब बहुत झटका वाला फील नहीं होगा, क्योंकि इसका सस्पेंशन बहुत ही अच्छा है, मुझे ये फील होता है। तो इसका बात कर लेते हैं हम लोग ब्रेक के बारे में, तो ब्रेकिंग सिस्टम भी इसका बहुत अच्छा है। अगर आप 80-90 की स्पीड में तो आपका 5-6 सेकंड में गाड़ी बिल्कुल अपने नॉर्मल स्पीड पे आ सकती है, 20 या 30 में आपकी गाड़ी आ सकती है। अगर आप 80-90 पे चला रहे हैं और एकदम शार्प के ब्रेक अगर मारते हैं तो इसका ब्रेकिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा है, कंट्रोलिंग भी बहुत अच्छी है। और MT15 मोन्स्टर एडिशन ऐसी गाड़ी है जो कि थोड़ा सा ग्राफिक वाफिक लग के ही आता है, और ये चीज़ बहुत लोग को पसंद भी आता है, बहुत लोग को नहीं भी पसंद आता है, शायद आपको पसंद आए या ना आए, क्योंकि मुझे तो थोड़ा सा पसंद आया, थोड़ा सा ही नहीं 50-50, क्योंकि 50-50 इसलिए आया क्योंकि ये अपने स्टाइल वाला नहीं है, मतलब ये थोड़ा सा कंपनी वाला स्टाइल है, तो ये सब आज तक मैं नहीं लगवाया अपनी गाड़ी में, लेकिन ये लगा हुआ है तो फिर रह नहीं देते हैं। ओवरऑल ये गाड़ी बहुत अच्छी है, आपको ले लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा राइडिंग करते हो तो आपको MT15 वर्जन 2 की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये इस प्राइस रेंज में ये गाड़ी थोड़ी सी वो अजीब पड़ जाती है। तो गाड़ी की एक और डिसएडवांटेज चीज़ ये है कि ये गाड़ी बहुत ही लाइट वेट होने के कारण आप 120 या 125 भगाते हो तो ये गाड़ी की स्टेबिलिटी खोने लगती है, गाड़ी की स्टेबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है, स्टेबल नहीं रहती ये गाड़ी, जबकि मुझे 125 भगाने तक ये गाड़ी का हैंडल बहुत ही टाइटली पकड़ना पड़ता है, क्योंकि ये गाड़ी के हैंडल बहुत ज़्यादा डगमगाने लग जाती है। तो इस गाड़ी का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि ये गाड़ी लाइट वेट इतनी है कि भाई 155 आप भगा ही नहीं सकते, क्योंकि एक तो ये एरोडायनामिक भी नहीं है R15 जैसे, ये है नेकेड वर्जन, और नेकेड वर्जन अगर आप 125 भी भगाओगे ना तो गाड़ी का लाइट वेट होने के कारण स्टेबिलिटी इसकी बहुत हद तक कम हो जाती है, तो आपका गिरने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो गाइस वैसे तो इस गाड़ी से कोई भी मुझे शिकायत नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी पतले लोग के लिए भी बहुत अच्छी है। अगर मैं एरोडायनामिक की तरफ जाता, जैसे R15 हो गई उसके तरफ अगर मैं जाता तो थोड़ा सा छोटा लगता, क्योंकि मैं थोड़ा सा पतला हूँ, स्किनी बॉय, और अगर कोई पतला लड़का है या कॉलेज वाला लड़का है, स्कूल वाला लड़का है, तो ये वाला ले सकते हैं आप गाड़ी। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। ओवरऑल तो इसका गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं है, जितनी भी एडवांटेज थी, जितनी भी डिसएडवांटेज चीज़ें थी मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी गाड़ी तो बहुत अच्छी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। इस वीडियो से कोई अगर आपको जानकारी मिली हो, कोई भी अच्छी जानकारी, तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल, और कमेंट में लिखिएगा MT15 MotoGP Edition।